चलिए देखिए, हम लोगों ने कल जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया था और थ्री टाइप्स के ट्रांसपायरेशन हम लोगों ने देखा था। एस्टोमाटल ट्रांसपायरेशन यानी जो एस्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। सेकेंड जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी लेंटी सेल के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होता है। एंड थर्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी क्यूटिकल से जो ट्रांसपायरेशन होता है। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो किससे होता है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो एस्टोमाटा के थ्रू होता है। ट्रांसपायरेशन जो है कल हम लोगों ने देखा था कि आखिर क्यों होता है, यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम जब CO2 यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो स्टार्च है वह कन्वर्ट होता है पेप में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब कन्वर्ट होता है यानी CO2 को लेकर के वह कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जाइलो एसिटिक एसिड में, OAA, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्जाइलो एसिटिक एसिड। ऑक्जाइलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड डिसोसिएट होते हैं मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन में, और जो हाइड्रोजन आयन था वह सेल के बाहर जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक तरफ हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर जाएगा तो उसके बदले पोटेशियम आयन सेल के अंदर आएगा, और पोटेशियम आयन एंड मैलेट मिलकर के बनाएंगे पोटेशियम मैलेट। ये पोटेशियम मैलेट जो है वह वैक्यूल में जाएगा, जिससे वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कभी भी सॉल्यूट बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा सेल का, तो वो वाटर को लेगा या वाटर को देगा, वाटर को लेगा, यानी उसमें एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट होती है, यानी वाटर उस सेल में जाएंगे। वाटर जब जाएगा तो वो गार्ड सेल क्या होंगे, टर्जिड हो जाएंगे यानी फैलेंगे। जब गार्ड सेल फैलेगा तो डेफिनेटली टर्जिड होगा तो ओपन हो जाएगा, एस्टोमाटा विल बी ओपन। एस्टोमाटा जब ओपन होगा तो उस एस्टोमाटा से वाटर बाहर जाएंगे और गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी CO2 का और O2 का। आप जानते हो कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो दिन में होता है तो उसमें क्या होते हैं, CO2 प्लांट लेता है और O2 क्या करता है, देता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वह प्लांट के एस्टोमाटा के थ्रू होता है और उसी एस्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। तो एस्टोमाटा ड्यूरिंग द डे टाइम कैसे ओपन होता है ये हम लोग देखें। अब ड्यूरिंग द नाइट यानी एस्टोमाटा क्लोज होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग नाइट। हो गया ये, तो ड्यूरिंग नाइट ऑस्टोमाटा क्लोज क्यों होता है वो देखिए। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग नाइट में, देखिए ऑस्टोमाटा वो क्लोज हो जाता है, तो CO2 यूज्ड इन CO2 कंसंट्रेशन CO2 concentration increase because no photosynthesis during night। रात के समय में CO2 का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कभी सुना होगा कोई पुराने बूढ़े बुजुर्ग बोलते होंगे कि रात के टाइम पे प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। होता क्या है कि प्लांट का साइज बहुत बड़ा है और जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट भी क्या कर सकता है, O2 को लेता और CO2 को छोड़ता है, तो इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उतना साइंटिफिकली वो नहीं जानते थे, लेकिन वो इसीलिए बोलते थे बस सोना नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि रात में वो भी क्या करता है, CO2 देता है और O2 को लेता है। तो रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है बेटा, तो वहां पर एक प्लांट का हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो क्या रिलीज होगा,
हाई CO2 के कंसंट्रेशन में प्लांट एक हार्मोन रिलीज ABA, ये एक हार्मोन है ABA यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन विच इनहिबिट एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन। तो जो पोटेशियम आयन अंदर जा रहा था वो पोटेशियम आयन क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। जब पोटेशियम आयन अंदर नहीं जाएगा तो यानी कि हाइड्रोजन आयन भी बाहर नहीं जाएगा। और पोटेशियम आयन, तो हाइड्रोजन आयन एंड मैलेट एसोसिएट टू फॉर्म क्या करेगा, मैलिक एसिड। ओपी ऑफ वैक्यूल डिक्रीज, और वैक्यूल का ओपी जो है वो फाइनली डिक्रीज करेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, एक जो ऑस्मोसिस। तब क्या हो गया, एस्टोमाटा क्लोज। पानी जब उसमें से निकलेगा तो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज। ये दिख रहा है, इतना हो गया है। अब देखिए, तो ड्यूरिंग द डे टाइम मान लो कि यह एस्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। क्या है, एस्टोमाटा का स्ट्रक्चर है गार्ड सेल से। तो क्या होता था दिन के टाइम पर, दिन के टाइम पे ये जो स्टार्च है या स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या हो रहे थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पेप केस में, किस में, पेप में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जिसे हम कहते हैं, पहले पेप लिख देंगे पेप। और ये कैसे कन्वर्ट होते हैं पेप में, तो एम्बेडेन मेयर हॉफ पाथवे जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, अभी रिस्पिरेशन प्लांट में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। तो यह एक पाथवे है, इम्बेडेन मेयर हॉफ पाथवे जिसे कहते हैं, उस पाथवे के थ्रू कोई भी यानी ग्लूकोज वगैरह कन्वर्ट हो सकता है किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। अब आप जानते हो कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वह कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, OAA। और कब, जब यहां से CO2 इंटर करके यहां आएगा, है ना, CO2 क्या करेगा, इंटर करेंगे, और यहां पर एंजाइम काम करता है पेप केस, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर क्या करता है, डिसोसिएट होता है किसमें, मैलेट और हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, बाहर जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन यहां से क्या हुआ, बाहर आ गया। तो जब हाइड्रोजन आयन बाहर आता है, इसके लिए
इसको खर्च करना पड़ता है सेल को एटीपी, तो एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, समझे। अब जब हाइड्रोजन आयन बाहर आता है तो पोटेशियम आयन क्या होगा, अंदर आ जाएगा, तो यहां पे आ गया पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम आयन और मैलेट मिलकर के क्या हो जाएंगे, पोटेशियम मैलेट। तो यहां पर यह जो है वह एक ये वैक्यूल है। अब ये पोटेशियम आयन और मैलेट आयन मिलकर के अंदर आ गए, पोटेशियम मैलेट, तो ओपी क्या हो जाएगा इसका, बढ़ेगा। तो ओपी जब बढ़ गया तो ये सेल क्या करेगा, वाटर को अंदर लेगा, तो यहां पे H2O क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। जब H2O अंदर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, H2O अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, एंडोसमोसिस। अब समझ गए बात को, दिखाइए इसको पूरा फटाक से। एम्बेडेड मेयर हॉप पाथवे अभी आगे भी आएगा, लिख देता हूं कंफ्यूजन है तो। एम्बेडेड मेयर हॉप पाथवे उसको कहते हैं ईएमपी। ये सब अभी आगे आएगा, टेंशन नहीं लीजिए ज्यादा, मेन इस टॉपिक पे यहां फोकस कीजिए।
हो गया सभी का? अब आइए हेडिंग देंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो बेटा अफेक्ट करते हैं, देखो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस किस बात पे डिपेंड करता है, ट्रांसपायरेशन कब ज्यादा होगा और कब ट्रांसपायरेशन कब कम होगा, कुछ बता सकते हैं? हाँ बोलिए। वेरी गुड, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, घट जाएगा। वाटर की अवेलेबिलिटी, जितना ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा सॉइल में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना टाइम वाटर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा चीज देख लीजिए ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना एयर में ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब कि स्मॉल वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होना एटमोस्फेयर में, और वेपर में ये ट्रांसपायरेशन भी क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं, तो ऑलरेडी जब एटमोस्फेयर में वाटर है तो वह वहां पर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। ऑलरेडी एटमोस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट हैं, लेकिन ड्राई एटमोस्फेयर जब होगा यानी सूखा हुआ, तो वहां पर देखते होंगे कि जब किसी आप कोस्टल एरिया में जाते हो, चेन्नई वगैरह में खास करके, आपके शरीर पर चिपचिपे लगेंगे गर्मी के दिन में, क्यों, वहां पर ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होती है वहां पर ट्रांसपायरेशन उतना कम होता है। जैसे यहां पर भी गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा चिपचिपा होने लगता है कभी कभी, तो ये क्या हुआ, आपका शरीर सूखता नहीं है, पानी चिपके रहते हैं, तो वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा। ऑलरेडी पानी कब सूखेगा आपके शरीर से, जब आपके चारों तरफ का एटमोस्फेयर जो है पूरा सूखा हो, तो वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उस जिस जगह पे आप हैं उस हवा में पहले से वाटर के ड्रॉपलेट हैं स्मॉल स्मॉल, तो वो वाटर को कैप्चर कर पाएंगे क्या, नहीं। तो मान लो इतना समझो कि एक तरफ गीला कपड़ा है और दूसरे तरफ भी गीला कपड़ा है, दोनों को चिपकाएंगे तो वाटर जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, दोनों गीला है, लेकिन एक तरफ सूखा कपड़ा है और एक तरफ गीला कपड़ा है, तो सूखा को और गीले से लगाएंगे तो क्या होगा, सूखा वाला कपड़ा क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एटमोस्फेयर जो ड्राई एटमोस्फेयर होते हैं वो एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बढ़ा देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन पहले लिखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, दो हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर का मतलब प्लांट से रिलेटेड और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब जो एटमॉस्फेयर हुआ, टेम्परेचर हुआ, यह सारा चीज। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर और फर्स्ट में लिखेंगे लाइट, फर्स्ट में लाइट। तो जो ब्लू लाइट होती है और जो रेड लाइट होती है, उस लाइट में ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होता है, लिखिए इस चीज को। ब्लू लाइट इंड्यूस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ब्लू लाइट इंड्यूस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ब्लू एंड फुल स्टॉप देके लिखेंगे, ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव फॉर ट्रांसपायरेशन, इफेक्टिव फॉर ट्रांसपायरेशन। क
constituting its action spectrum. Constituting its spectrum action. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्लू एंड रेड लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है. तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा. इसी वजह से यहां पर ब्लू एंड रेड लाइट का रोल दिया है. अब लिखेंगे टेम्परेचर सेकंड में. टेम्परेचर जब हाई होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा. इन हाई टेम्परेचर, इन हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज. रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कहते हैं प्रेशर वेपर, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेपर प्रेशर ग्रेडियंट. देखिए क्या कहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में. वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, तो ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब समझो कि वेपर जितना ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो उसका वेपर का क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया ना. जितना ज्यादा वेपर एटमॉस्फेयर में गया तो वो एक प्रेशर बढ़ा दिया, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, यानी वेपर का बढ़ जाना, दैट इज द ग्रेडियंट, वेपर का बढ़ गया तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर ग्रेडियंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा. इसमें लिखेंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डिक्रीज इन हाई ह्यूमिडिटी. मैं ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख देता हूं ताकि आपको बाद में भी याद रहे. तो ट्रांसपिरेशन क्यों कम हो जाएगा भाई? क्योंकि वेपर के ड्रॉपलेट एयर में प्रेजेंट होंगे पहले से ही, तो वो और ज्यादा वेपर को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा. तो यहां पर बिकॉज वेपर ड्रॉपलेट आर प्रेजेंट इन एयर सो एटमॉस्फेयर नॉट कंज्यूम मोर वेपर. अब समझ गए बात को. और इसी में ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज इन ड्राई एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जब सूखा हुआ रहेगा, तो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी सूखा है,
तो जब वेपर बन के निकलेगा तो वो क्या करेगा, आसानी से उसको कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होते हैं, बढ़ जाता है। कब? ड्राई एटमॉस्फेयर में। अब समझ में आई बात, फटाफट लिखेंगे इसको। हो गया पूरा, चलेंगे नेक्स्ट लिखेंगे। फोर्थ में यानी हवा, विंड लिखेंगे इसके बारे में। इफ लिखिए विंड में, If wind is not blowing, blowing, if wind is not blowing, यानी हवा जब तेज नहीं चलेगा तो जो वाटर, यहां पे समझ लो इस बात को थोड़ा सा, ये एक प्लांट है और ट्रांसपायरेशन कहां होगा, लीव्स के सरफेस पे। अब यहां से वेपर के फॉर्म में जो है यह ट्रांसपायरेशन होना है और हवा एकदम नहीं चल रही है, तो ये वेपर कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, इस लीफ के सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे। तो जब ऑलरेडी इसके लीफ के सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा तो और ज्यादा वेपर निकलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही हवा अगर चल रहा है, तेजी से हवा बह रही, यानी लीफ पूरा आगे पीछे कर रहा है। तो आप देखो, जैसे आप इतना सिंपल समझो, जब कपड़े की धुलाई करते हो तो कपड़े को क्या करो, आप सुखाने के लिए डालते हो। अगर कपड़े के ऊपर तेज हवा लगती है तो क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूखता है कि देरी से सूखता है? जल्दी सूखता है। क्यों भाई? हवा जो आता है तो उसके वाटर के ड्रॉपलेट को चारों तरफ फैलाते रहता है, लेकिन अगर हवा नहीं चलेगा तो सारा वाटर के ड्रॉपलेट जो उस क्लॉथ के ऊपर में एक्यूमुलेट होकर के धीरे 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 क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा एटमोस्फेयर। लेकिन हवा तेज चलेगी चारों तरफ फैलते रहेगा तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी तरह यहां पर जब हवा ब्लो करेगी तो यहां पर जो लीफ के सरफेस पे जो ये ड्रॉपलेट है वो चारों तरफ फैल जाएंगे, तो ये लीफ का सरफेस सूखा होगा, फिर से नया वाटर के ड्रॉपलेट आते जाएंगे, फिर से सूखते चला जाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जितना तेज हवा चलेगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना कम हवा चलेगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। लिखेंगे इस चीज को, इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट अबव, इफ लीफ इज नॉट ब्लोइंग, वाटर वेपर एक्यूमुलेट अबव, वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट अबव द ट्रांसपायरिंग लीव्स, वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट अबव द ट्रांसपायरिंग लीव्स विच डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। विच डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। The rate of transpiration is enhanced The rate of transpiration is
एनहांस एनहांस होंगे कब? द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज एनहांस कब? ब्रिज का स्पीड लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगा तब। ब्रिज इज विंड विथ 6 to 50 किलोमीटर पर आवर, हवा का स्पीड 6 से 50 किलोमीटर पर आवर का रहेगा। तो ब्रिज इज विंड का मतलब समझे, ठंडी हवा का झोंका को ब्रिज कहते हैं हम लोग, ठंडी हवा के झोंके को ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अवेलेबल सॉइल वाटर, फिफ्थ नंबर। अवेलेबल सॉइल वाटर, अवेलेबल सॉइल वाटर यानी वाटर सॉइल में जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होंगे, उतना ज्यादा होगा। जितना वाटर कम होगा, जब पानी ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा क्या? नहीं। और पानी जब ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लिख दीजिए इस चीज को, मोर वाटर इन सॉइल इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। More water in soil increase transpiration. More water in soil increase transpiration. ये हो गया। Next लिखेंगे More water in soil increase transpiration. अब थर्ड लिखे, अब लिखेंगे प्लांट फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर देख लिया हम लोग, अब लिखेंगे प्लांट फैक्टर। और प्लांट फैक्टर में लिखेंगे रूट शूट रेशियो। ये प्लांट है, प्लांट में दो चीज होते हैं, सॉइल के अंदर जितना भी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रूट। और सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? शूट। इस शूट में सब चीज इंक्लूड है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सारा चीज। तो सॉइल के ऊपर के सरफेस का सारा पार्ट शूट और सॉइल के अंदर के सारा पार्ट रूट। तो कहता है रूट एंड शूट रेशियो, प्लांट में जितना ज्यादा रूट होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। क्यों? ज्यादा रूट होगा तब वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तब ट्रांसपिरेशन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लिखेंगे इस चीज को, रूट एब्जॉर्ब वाटर सो मोर रूट मोर ट्रांसपिरेशन। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इतने सारे तरह का आप प्लांट देखते हो, किसी प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर अलग है तो किसी प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। प्लांट के लीफ का एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होंगे? उतना ज्यादा होंगे। तो स्टोमाटा का नंबर, नंबर ऑफ स्टोमाटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दीज आर द फैक्टर टू इंक्रीज द या टू अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। लिखेंगे इस चीज को, लिखेंगे मेनी फीचर्स ऑफ लीफ लाइक
क्यूटिकल लाइक क्यूटिकल थीक वॉल्ड हाइपोडर्मिस संकीन अस्टोमाटा रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब मान लो यहाँ पे संकीन अस्टोमाटा नहीं समझ में आया, देखिए क्या होता है। कैक्टस के प्लांट को तो जानते ही होंगे सभी लोग। तो कैक्टस में देखो, संकीन अस्टोमाटा का मतलब समझो कि एक छुपा हुआ अस्टोमाटा। जो अस्टोमाटा डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में आएगा उससे उतना ज्यादा क्या होंगे, वाटर निकलेंगे। और कैक्टस एक जेरोफिटिक प्लांट है, तो जेरोफिटिक प्लांट में एस्टोमाटा जो होते हैं वो छुपे हुए फॉर्म में होते हैं। वैसे एस्टोमाटा को हम लोग संकीन एस्टोमाटा कहते हैं, क्योंकि ये वाटर को कम से कम लॉस करना चाहते हैं। इनके पास वाटर है ही नहीं तो लॉस क्या करेगा, तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा वाटर थोड़ा सा भी लॉस हो। तो वैसे एस्टोमाटा को कहते हैं हम लोग संकीन एस्टोमाटा। तो संकीन एस्टोमाटा जितना ज्यादा होगा किसी प्लांट में, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। लीफ का सरफेस एरिया जितना कम होगा ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। क्यूटिकल जितना मोटा होगा, क्यूटिकल क्या है, थिक वैक्सी मटेरियल है, तो क्यूटिकल जितना मोटा होगा ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। हाइपोडर्मिस जितना मोटा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये सब फैक्टर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। अब आइए क्या लिखे लास्ट में, संकीन एस्टोमाटा रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अस्टोमाटा number of open astomata effect transpiration। ट्रांसपिरेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लिखेंगे क्रिएट, पॉइंट वाइज करके लिखते चलिए, क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सप्लाई वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस
supplies water needed for photosynthesis. Supplies water needed for photosynthesis. Supplies water needed for photosynthesis. Third, transport minerals along with water. Transport minerals along with water. Transport minerals along with water. Transport minerals along with water from the soil to various part of the plant. From the soil to various part of the plant. From the soil to various part of the plant. Next point, cool leaf surface. It can lower plant body temperature up to 10 to 15 degree. नेक्स्ट लिखेंगे, इट हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. अब देखिए, जो जो बातें लिखाया मैंने उसको यहां समझा रहा हूं, समझिए. देखो बेटा क्या है, मान लीजिए यह एक प्लांट है. प्लांट है ये, देखिए. तो ऊपर से पानी अगर निकल रहा है लीफ से ट्रांसपायरेशन के रूप में, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1-2% वाटर यूज करता है फोटोसिंथेसिस में. बाकी वाटर क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन के रूप में रिलीज हो जाते हैं. मान लो यहां से प्लांट 2 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, कितना, 2 लीटर पानी को एब्जॉर्ब किया. अब 2 लीटर पानी का सिर्फ 1-2% कितना ml हो जाएगा, 1 लीटर का 2% कितना हो गया, 2 ml. तो 2 लीटर का 4 ml, यानी लगभग, अब आप देख लो 4 ml को हटा के, यानी 1.95 ml पानी क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन में निकल गया. तो इतना पानी एब्जॉर्ब क्यों करता है प्लांट, जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए उसे. इतना प्लांट वाटर को इसलिए एब्जॉर्ब करता है कि पानी के साथ साथ वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है. डायरेक्ट, अभी मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा आपने, तो डायरेक्ट मिनरल्स नहीं ले सकता है ना. ऐसा नहीं है कि कैल्शियम आयन को वो डायरेक्ट ले ले. मेन रूप से पानी जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में जाता है. अगर ये H2O है तो इसमें कैल्शियम आयन भी होगा, पोटेशियम आयन भी होगा, इसमें कॉपर आयन भी होगा, फास्फोरस आयन भी होगा. तो ये सारा चीज जो है वो क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा. अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ साथ क्या होंगे, मिनरल्स भी जाएंगे. अब वो क्या करेगा, मिनरल्स को अपने अंदर रख लेगा और जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको रिलीज कर देगा. तो इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, यानी वाटर जो है इस तरह से पुल होकर के ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है. एक तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है तो दूसरे तरफ क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं. दैट इज द ट्रांसपायरेशन पुल.
अब इसी में देखो क्या क्या लिखा है मैंने, मैंने बोला सप्लाई वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी क्या होगा, इसी के थ्रू जाएगा। थर्ड लिखा यार ट्रांसपोर्ट मिनरल, यानी मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू, सॉल्यूशन के फॉर्म में, अभी मैंने बोला तो इसके थ्रू जा रहा है सॉल्यूशन के फॉर्म में। उसके बाद देखो ये कुल लीफ सरफेस, यानी कि जितना ज्यादा लीफ के सरफेस पे ट्रांसपिरेशन होगा वो लीफ क्या होगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, और टेम्परेचर को भी डाउन करता है। फिर लास्ट में हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी ज्यादा प्लांट में होगा, प्लांट में पानी नहीं दो तो प्लांट क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, यानी टर्जिडिटी क्या होती है उनकी, कम हो जाती है। तो उसके शेप को साइज को मेंटेन करने में भी ये चीज ट्रांसपिरेशन मदद करता है। ये सारी बात हो गई। अब एक हेडिंग देंगे ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज कहने का मतलब कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों एक साथ होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दोनों एक साथ होते हैं, तो आप हम यहां पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर हम नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, पढ़ाई मन होगा तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम जब तक आप नहीं हो, मान लो आप सभी बच्चे बाहर चले जाओ तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, दीवाल को, दीवाल को तो नहीं पढ़ाऊंगा ना भाई, आप ही को पढ़ाना है मुझे। तो हमारा और आपका एक रिलेशन है, डेट इज कॉम्प्रोमाइज है, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मान लिया अभी अगर हमें अभी इस टाइम पे भूख भी लगी है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्यों, आपको पढ़ाना है। और मान लो आपको भी भूख लगा है तो आप यहाँ कुछ नहीं खा सकते हो, क्यों, अभी हम यहाँ प्रेजेंट है तो पढ़ाई करना है। दोनों अपने अपने चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पर एक साथ एक काम को कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। तो उसी तरह जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसी समय ट्रांसपिरेशन भी होता है। अब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं है तो स्टोमाटा क्लोज हो गया ना, ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, रुक गया। इसीलिए बेटा तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं, दिन में फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन भी। अब क्यों ऐसा, ये एक दरवाजा है और ये दरवाजा अगर ओपन नहीं होगा तो जो ऑथराइज पर्सन है वो भी नहीं आ पाएगा, जो अनऑथराइज है वो भी नहीं आ पाएगा, दोनों कंडीशन है। दरवाजा खुलेगा तभी जाकर के चाहे वो ऑथराइज पर्सन हो या अनऑथराइज पर्सन हो, दोनों आना जाना कर सकता है। तो स्टोमाटा जब तक ओपन नहीं होगा तब तक गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए और वो CO2 कब जाएगा प्लांट के अंदर, तो स्टोमाटा का दरवाजा ओपन होगा। तो स्टोमाटा कब ओपन होगा भाई, तो स्टोमाटा ओपन होता है जब वो टर्जिड होता है। अब टर्जिड क्यों होता है वो पूरा यहां पर दिखा रहे हैं। तो पहले स्टोमाटा को ओपन होना होगा CO2 के लिए। अब मान ले कि उधर से पटेल मैडम ने नॉक किया गेट ओपन करने को, ठीक है, और हम लोग गेट ओपन करके देखें कौन है, अच्छा पटेल मैडम है, उनको कौन रोक सकता है, उनको तो आना है भाई। लेकिन उनके पीछे मान लो कि दो कोई बाहरी बच्चे हैं, मैडम को भी नहीं पता है कि मेरे पीछे कौन दो बच्चे हैं, किसी दूसरे स्कूल के या कोई दूसरे बच्चे हैं। अब हमने गेट ओपन किया और दरवाजा खोला तो क्या हुआ, मैडम के साथ साथ वो दोनों बाहरी बच्चे भी आ गए। तो पहला कंडीशन क्या है, दरवाजा ओपन होना। तो जब स्टोमाटा ओपन होता है और वो ओपन किस लिए हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो जब ओपन हुआ तो वाटर भी निकला उसमें से, तो वाटर निकला तो ट्रांसपिरेशन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्रोमाइज हैं, इसका मतलब कि दोनों एक साथ चलते हैं, चाहे दोनों की एक साथ जरूरत है या एक साथ जरूरत नहीं है, ये दोनों कंडीशन होता है। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब स्टोमाटा ओपन होकर के गैस लाएगा, यानी CO2 को अंदर लेगा और O2 को बाहर देगा।
ट्रांसपायरेशन तभी होगा जब स्टोमाटा ओपन होगा, तो एक जो वाटर है वो बाहर जाएगा। तो वाटर जो एक्चुअली मेनली बाहर क्यों जाता है, प्लांट से बाहर क्यों जाता है, स्टोमाटा ओपन हुआ तो बाहर गया, तो पानी घटेगी तो फिर क्या करेगा, पानी को और एब्जॉर्ब करेगा। तो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमाटा को बार बार ओपन होना होता है, और बार बार जितना बार ओपन होता है पानी उतनी बार उससे क्या होता है, बाहर जाता है। आप ये भी तो सोच सकते हो कि जब स्टोमाटा टर्जिट हो ही गया तो वो पानी क्यों लॉस करेगा, एक बार टर्जिट होकर के ओपन होकर पूरा दिन ओपन रहेगा, पानी लॉस करने की क्या जरूरत है उसे, टर्जिट हो गया। स्टोमाटा खुलता है दिन में भी, खुलेगा थोड़ा देर के लिए बंद होगा फिर खुलेगा, खुलेगा थोड़ा देर के लिए बंद होगा फिर ओपन होगा, क्योंकि जैसा ही जब ज्यादा पानी निकल जाता है उसमें से तो थोड़ा देर के लिए क्लोज हो जाता है, फिर से पानी एब्जॉर्ब होकर क्या आता है, टर्जिट करके फिर से उसको ओपन कर देता है। तो पानी का लॉस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टोमाटा अगर ओपन रहेगा टर्जिट रहेगा तो वो ओपन होगा, तो ओपन होगा तो उसमें से पानी बाहर जाएगा ही जाएगा। और जैसे एक गेट पे एक गेट कीपर को रख देते हैं या गार्ड को रख देते हैं कि जो अनऑथराइज पर्सन है वो नहीं आए कैंपस में, लेकिन इसके पास वैसा बहुत ज्यादा ऑथराइजेशन यानी आइडेंटिफाई करने का कि गार्ड सेल तो नाम है लेकिन वो गार्ड करता है सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, वो ये नहीं कर सकता है कि पानी को बिना लॉस किए हुए क्या करे, गैसियस एक्सचेंज कर दे। अगर स्टोमाटा ओपन होगा तो पानी भी निकलेगा उसमें से। तो यही चीज है, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है एक दूसरे के साथ, लिखेंगे इसको। देखेंगे ट्रांसपायरेशन क्रिएट ए पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन क्रिएट ए पूल as well as minerals। बेटा फोटोसिंथेसिस रेट इज लिमिटेड बाय लिमिटेड बाय अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर available amount of water which is depleted by transpiration। तब लिखेंगे ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर्स साइमल्टेनियसली due to opening of stomata which lead to gaseous exchange
विच लीड टू गैसियस एक्सचेंज, विच लीड टू गैसियस एक्सचेंज, बट वाटर वेपर, बट वाटर वेपर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम इट, बट वाटर वेपर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम इट। अब इतनी देर से मैंने जो आपको बातें समझाई उसका आंसर आपको मिल गया। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए लास्ट का लाइन पढ़िए, कि फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं, और जब गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमाटा ओपन होता है तो उसी समय क्या होते हैं, वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम इट। एक्चुअल में स्टोमाटा खुलता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन जब खुलेगा तो उसके साथ क्या होंगे, वाटर भी निकल जाएंगे। तो जब वाटर का निकलना मतलब क्या हो गया है, ट्रांसपिरेशन, तो ये क्या होंगे, इट इज ए कॉम्प्रोमाइज। अब समझ में आई बात, आगे लिखेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ, द इवोल्यूशन ऑफ C4 प्लांट, बताते हैं C3 और C4 क्या होता है। द इवोल्यूशन ऑफ C4 प्लांट, C4 प्लांट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर, इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर, इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर, वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमाइजिंग द MAXIMISING, मैक्सिमाइजिंग द अवेबिलिटी ऑफ CO2, अवेबिलिटी ऑफ CO2, अवेबिलिटी ऑफ CO2 वाइल मिनिमाइजिंग, while minimizing water loss, while minimizing water loss। लिखेंगे, the C4 plant are twice more efficient, the C4 plant are twice more efficient, the C4 plant are twice more efficient as C3 plant, as C3 plant in term of, in term of fixing carbon, in term of fixing carbon, in term of fixing carbon the CO2 fixation in C4 plant, the CO2 fixation in C4 plant, the CO2 fixation takes place, the CO2 fixation in C4 plant takes place by a different pathway, takes place by a different pathway than C3 plant, than C3 plant due to, due to Cranch anatomy। ये कौन बता सकता है Cranch anatomy? प्लांट टिश्यू में मैंने पढ़ाया है Cranch anatomy, ड्यू टू Cranch anatomy। कोई किसी को याद आ रहा है प्लांट एनाटोमी में Cranch anatomy क्या होता है, Cranch anatomy?
नहीं याद आ रहा है, ठीक है। देखिए मेजोफिल सेल, जो आप जानते हो कि प्लांट टिश्यू का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, मेजोफिल आया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो पढ़ते हैं हम लोग ठीक से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़े थे। कुछ भी नहीं याद है तो जान जाइए ETS, VTS एंड GTS, एपिडर्मल यानी प्लांट का आउटर सरफेस, और इसी एपिडर्मल में एपिडर्मल टिश्यू यानी एपिडर्मिस और क्यूटिकल के बारे में पढ़े थे हम लोग। VTS का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़े थे हम लोग, और GTS का मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी किसी प्लांट से एपिडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम को हटा दे तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो किस में आता है, ग्राउंड टिश्यू में आता है। जैसे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हो जाते हैं ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस ठीक है, फिर उसके बाद में पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रे, ये सब किस में आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसी को कहते हैं हम लोग मेजोफिल। और मेजोफिल के साथ साथ एक सेल होता है जिसका नाम है बंडल सीथ सेल, ये दोनों मिला करके ही कहलाते हैं इस तरह के एनाटॉमी को, दिस इज ए स्पेशल एनाटॉमी, इसी को कहते हैं हम लोग क्रैंज एनाटॉमी। एनाटॉमी वर्ड लगा है मतलब एनाटॉमी के चैप्टर में भी है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग क्रैंज एनाटॉमी, इस तरह के स्पेशलाइज एनाटॉमी को हम लोग क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। तो ये किस में मिलता है, ये वैसे प्लांट में मिलता है जो प्लांट कम से कम पानी में आराम से सर्वाइव कर जाए, इनका यानी ऐसे प्लांट का सर्वाइवल किसी भी एडवर्स कंडीशन में आसानी से करने के लायक होते हैं। जहां पे फ्लड आया है वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ड्राउट कंडीशन है वहां पे भी कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए एग्जांपल है मेज का प्लांट, सुगर केन, पाइनएप्पल, दीज प्लांट्स आर C4 प्लांट, क्योंकि इनके पास एक अलग तरह का फिजियोलॉजी होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है C3 प्लांट और किसको कहते हैं C4 प्लांट। तो अभी इतना समझ लो कि C4 प्लांट का मतलब जो कम से कम पानी में CO2 का लेवल जहां कम होगा उसमें भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है, यानी ये ज्यादा एफिशिएंट है, कम चीज लेकर के ज्यादा काम करता है तो मोर एफिशिएंट, और कोई चीज ज्यादा सामान लेकर के कम काम करता है तो क्या हो जाएगा, लेस एफिशिएंट। तो C3 प्लांट जैसे राइस का प्लांट, पानी कम मिलेगा तो राइस की खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उसको C3 प्लांट कहते हैं। तो ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, आप समझ गए। अब एक हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग एम्बाइविशन। एम्बाइविशन जो है ट्रांसपायरेशन एक हो गया, दूसरा एम्बाइविशन। इम्बाइबिशन देखिए क्या है, इम्बाइबिशन ठंड, बारिश के टाइम पे रेनी सीजन में अगर कोई लकड़ी का दरवाजा है या खिड़की है तो वो खुलना और बंद होना मुश्किल हो जाता है, बारिश के टाइम पे ऐसा होता है, घर में देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है, बारिश के सीजन में जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं वो हमारे एयर में मिक्स होते हैं, और वो एयर इस लकड़ी वाले या कोई भी कोलोइडल पार्ट से एब्जॉर्ब होने लगते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये डोर, लकड़ी का डोर है तो वुड के डोर जो होते हैं, विंडो होते हैं या कोई भी वुडन पार्ट जो होता है वह उस वाटर के ड्रॉपलेट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। तो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, साइज बढ़ जाएगा, तो जब साइज बढ़ जाएगा तो वो सही से फिट नहीं होगा तो क्या होगा, बंद नहीं होगा। तो खिड़की दरवाजे बारिश के टाइम पे कम नहीं बंद होते हैं ठीक है, कड़े हो जाते हैं, दिस इज
इसी चीज को हम लोग कहते हैं एम्बाइबिशन। क्या कहेंगे? एम्बाइबिशन। अब दूसरा चीज, इसका एग्जांपल देखिए, सीड, सीड को सॉइल में डालते हैं तो सीड से जर्मिनेशन होकर क्या निकलता है? प्लांट। दिस इज ऑल्सो एम्बाइबिशन। तो सीड का जर्मिनेशन भी, तो क्वेश्चन भी पूछता है कि सीड में, सीड के जर्मिनेशन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? तो सीड वाटर के ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब करके अपने सीड कोट को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, जिसके वजह से रप्चरिंग हो करके प्लांट के पार्ट बाहर आते हैं। तो इसको कहते हैं, ये भी सीड में सबसे पहला प्रोसेस एम्बाइबिशन का होता है। किसका? एम्बाइबिशन का। लिखेंगे एम्बाइबिशन, हेडिंग दिए हैं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल, हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस without forming a solution is called imbibition. It is a special type of diffusion. Imbibition भी क्या है? एक special type का diffusion है। लिख दीजिए, it is a special type of diffusion. It is a special type of diffusion. Full stop देके तब लिखेंगे। Such solid substance which take part in imbibition, called imbibents. IMBIBNT. Called imbibents. Example, seed, dry wood, full stop देके तब लिखेंगे, The liquid which is imbibed is known as imbibate. लिखेंगे, it is reversible process. And two conditions are required for imbibition. It is reversible process and two conditions are required for imbibition. First में लिखेंगे, water potential gradient between the surface of absorbent, and the liquid imbibed, imbibed, and the liquid imbibed. Second लिखेंगे, affinity between the absorbent
डेट इज सॉलिड सब्सटेंस, डेट इज सॉलिड सब्सटेंस एंड द इम्बाइब्ड लिक्विड, द सॉलिड सब्सटेंस एंड द इम्बाइब्ड लिक्विड, आई एम बी आई बी ई डी, इम्बाइब्ड लिक्विड। लिखेंगे इम्बाइबिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, इम्बाइबिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, इम्बाइबिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, इम्बाइबिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, germination of seed, comma, rupturing of seed coat, rupturing of seed coat and emergence of seedling and emergence e m e r g a n c e and emergence of seedling s w e d l i n g, emergence of seedling is due to high एम्बाइविशन प्रेशर। इज ड्यू टू हाई एम्बाइविशन प्रेशर। ये हो गया यहां तक, एम्बाइविशन भी कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर लिया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारा चीज हो गया है, ठीक है ना। अब टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्रांसपायरेशन भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ही आता है। तो ट्रांसपायरेशन और इम्बाइविशन आपको पहले करा दिया, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। कल के स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। समझ में आई बात? तो कल थोड़ा पढ़ के आइएगा। एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसको पढ़ के आइए एक बार आप सभी लोग। ओके, अभी कोई डाउट? देखिए कहीं पर कुछ अभी भी कुछ है तो पूछ लीजिए फटाक से।